हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय टैरो। आज की पिक का रीडिंग में हम जानेंगे कि कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है और क्यों। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है उससे थोड़ा डार्क ब्लू स्टोन, और तीसरे ग्रुप के लिए है ये काफ़ी लाइट सा ब्लू स्टोन। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये वाला ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। सो आपके लिए जो कार्ड्स हमें मिले वो थे फर्म फाउंडेशन, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस और स्पिरिचुअल यूनियन। ऑलराइट, तो ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है, इनमें इनकी फैमिली और आपकी फैमिली में थोड़ा पैसों को लेके डिफरेंसेस हैं, जहाँ तक है इनके पास और इनके परिवार वालों के पास आपसे ज़्यादा पैसे हैं या ये आपसे ज़्यादा कमाते हैं। एक पॉइंट पर ये भी बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों रिलेशनशिप में हुआ करते थे, अगर ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं भी थी तो अनऑफिशियली आप दोनों साथ में थे। ये जो कोई भी इंसान है, इन्होंने कभी इस कनेक्शन में उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया जितना आप करते थे, और कहीं ना कहीं हमेशा स्टार्टिंग से ही इन्होंने आपको बहुत ही सैड फील करवाया, बहुत ही अनवांटेड फील करवाया। ऐसा फील करवाते थे मानो आपसे बात करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हो, या आपके साथ टाइम स्पेंड करके आपके ऊपर एहसान कर रहे हो। ये भी पॉसिबल है कि हर वक्त अपनी मनमानी किया करते थे, हर वक्त अपनी धौंस जमाने की कोशिश करते थे आपके ऊपर और इस कनेक्शन के ऊपर। एक वक्त पे हो सकता है आपको ऐसा लगा हो कि इसी इंसान के साथ आपका फ्यूचर है और यही आपके सोलमेट हैं, और जहां तक है इस इंसान ने शायद एकदम से आपको छोड़ा था, या तो आपने इस चीज की उम्मीद नहीं की थी, या फिर अगर आपको लग भी रहा था कि हाँ कभी भी ब्रेकअप हो सकता है तो इस तरीके से होगा या इस वजह से होगा, वो शायद आपने कभी नहीं सोचा था। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों ने शायद अपनी शुरुआत सेम स्तर से की हो, और रास्ते में ये आपसे ज्यादा आगे निकल गए तो बस फिर इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। मतलब ऐसा हो सकता है, मान लो कि आप दोनों किसी कोचिंग सेंटर में मिले, आप दोनों किसी सेम एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज आपका नहीं हो गया और उनका हो गया तो उन्होंने बिल्कुल आपसे बात करना बंद कर दिया, ऐसे बिहेव करने लगे जैसे आपको जानते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई उनकी तो अब सरकारी नौकरी लग गई है और आपका तो एग्जाम निकल नहीं पाया था। उस सेंस में भी कुछ यहाँ पे हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ था या लड़ाई झगड़ा जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद शायद आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी सुलह करने की, काफी रीच आउट करने की कोशिश आपने की थी इस इंसान को। एक तो उसमें भी इनको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था, ये खुद अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते थे लेकिन हमेशा बड़ी उम्मीद लगा के बैठे रहते थे कि कब आपका मैसेज आए, कब आपका मैसेज आए। और जब आता था आपका मैसेज तो भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बड़ा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर इनका रहता हो। जैसे मान लो आपने पहला मैसेज भेजा, तुरंत जवाब आ गया, आपको लगा कि अरे चलो बढ़िया, फाइनली अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर एकदम से एक एक वर्ड के रिप्लाई देने लगते थे, तो आपको बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था इस इंसान का नेचर। एंड चांसेस हैं कि काफी लंबे समय से, मे बी लगभग एक साल से, आपने भी इस इंसान से अपनी तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं किया है और अब ये आपकी लाइफ में वापस आने का ट्राई मार रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। स्पिरिट, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप वन्स लाइफ? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप वन्स लाइफ? द वर्ल्ड, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप वन्स लाइफ? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप वन्स लाइफ? Ace of Pentacles, will you please clarify the Two of Swords? All right, so group one, पहली चीज तो इस इंसान, ये पास्ट में ना, ये इंसान कभी भी आपको लेके 100% श्योर नहीं थे कि इनको आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहिए भी है या नहीं चाहिए, और
प्रॉब्लम ये थी कि आप स्टार्टिंग से लेके इनको बहुत श्योर थे, आपको हमेशा से पता था कि हाँ मुझे इंसान बहुत पसंद है, मैं इनके साथ एक कनेक्शन फील करती हूँ या करता हूँ, मुझे इन्हीं के साथ सेटल डाउन होना एंड ऑल, बट उनके एंड पे ये चीज नहीं थी। अब हो ये रहा है कि यहाँ पे एक किस्म की ना मुझे कार्मिक जस्टिस होते हुए दिख रही है। कहने का मतलब कि जिस तरीके का बिहेवियर इन्होंने आपके साथ किया, आपको सफर करवाया, राइट, वही चीज घूम फिर के इनके साथ भी हुई है। जैसा बर्ताव इन्होंने आपके साथ किया है, ठीक वैसा ही बर्ताव किसी ने इनके साथ किया है। अगर ये आपको ऑप्शन के जैसे ट्रीट करते थे तो किसी ने इनको ऑप्शन के जैसे ट्रीट किया, अगर इन्होंने आपको एकदम से धोखा दे दिया था तो इनको किसी ने एकदम से धोखा दे दिया, और इसीलिए शायद अब जा करके इनकी आंखें खुली हैं और वर्ल्ड और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं इस इंटेंशन से कि दोबारा से ये जो आप दोनों का कनेक्शन था उसको रीएस्टैब्लिश कर सके, दोबारा से आपके साथ एक कनेक्शन में, एक रिलेशनशिप में आ सके। नाउ ग्रुप वन, जस्ट बिकॉज ये इंसान आपके साथ दोबारा कनेक्शन में आना चाहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने दरवाजे खोल करके खड़े हो जाएं इनके लिए, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है इनके नेचर से, इनके बिहेवियर से कि हाँ भाई ये बंदा जेन्युइनली सॉरी है, तो ठीक है, आप उनको सेकंड चांस दे सकते हैं। अदरवाइज जस्ट बिकॉज ये ऐसा चाहते हैं इसीलिए आप वही वही चीजें करो जो ये चाहते हैं, उसका कोई सेंस यहाँ पर बन नहीं रहा है। ये भी पॉसिबल है कि जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया था उसके बाद ये इंसान कहीं और जा करके रहने लगे थे, एंड कहीं ना कहीं टू ऑफ स्वॉर्ड्स और टेन ऑफ कप्स मुझे बता रहे हैं कि जब आप दोनों सेम जगह पर थे भी, जब आप दोनों साथ में थे भी, तो भी शायद इनको कभी आपके साथ जो इनकी रिलेशनशिप थी, आपके साथ जो इनका कनेक्शन था, उसमें कभी भी ये अच्छाई ढूंढ ही नहीं पाते थे, कभी फुल्ली उससे खुश हो ही नहीं पाते थे, कभी कंटेंट हो ही नहीं पाते थे। हमेशा यहाँ पे ध्यान ज्यादा रहता था कि उन लोगों के बीच का इक्वेशन कैसा है, उन दोनों की रिलेशनशिप तो ऐसी है, हमारी तो वैसी है, कमियां ज्यादा ढूंढते थे, खामियां ज्यादा ढूंढते थे और अप्रिशिएट कम करते थे आपको, या हो सकता है कभी भी ना किया हो अप्रिशिएट आपको। द वर्ल्ड फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे कहीं ना कहीं बता रहा है कि जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ और मे बी कुछ वक्त तक आपने इनको चेस करने का ट्राई मारा हो बट कुछ हुआ नहीं उसका नतीजा, फिलहाल जब से आपने इस इंसान से बात करना बंद किया है, आपने खुद रियलाइज किया है कि आपने एक नई साइकिल में एंटर मारा है और आपको अब इस इंसान से आज सच उतना फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट हो सकता है इस कनेक्शन के खत्म होने के बाद आपने एकदम से बहुत ज्यादा फ्री महसूस किया हो, बहुत लंबे समय बाद आपको एक फ्रीडम मिली हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इंसान आपको कंट्रोल करने का ट्राई किया करते थे। एक मैसेज जो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है वो ये है कि आपकी लाइफ में वापस आने के लिए अगेन ये पैसों का सहारा ले सकते हैं। सो दिस कैन बी जैसे बड़े एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आपके घर भेजने लगे, या फिर किसी बड़ी हाईफाई जगह पे किसी किस्म का रियूनियन प्लान करें और वहां पर सारे दोस्तों के साथ आपको भी बुलाएं और खूब बखान करें अपने पैसों का या क्या क्या वो हासिल कर चुके हैं, इस किस्म की चीजें पैसों से लुभाने का ट्राई कर सकते हैं आपको। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड मुझे ये भी बता रहा है कि शायद इनके फ्रेंड सर्कल में या इनके घर वालों में से कोई है जिसने भी इनको इनकी गलतियों का एहसास दिलवाया है, और ये एहसास तब दिलवाया गया है जब इनको किसी और पर्सन से धोखा मिला, उसके बाद इनके दोस्तों ने या इनके उस पर्टिकुलर घर वाले ने इनको बताया कि ये सेम चीज तुमने किसी और के साथ की थी, अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि कैसा लगता है जब खुद के साथ खुद के ऊपर वही चीज बीतती है। तो काफी कुछ इनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है आपको लेकर के, बट हाँ इंटेंशन क्लियर है कि ये दोबारा से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। चांसेस हैं कि लगभग 5 हफ्ते के अंदर अंदर ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, और अगर आप ये रीडिंग अभी देख रहे हैं अप्रैल में, तो मे बी अक्टूबर के आसपास भी ये आपको कॉन्टैक्ट करें। कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर भी कॉन्टैक्ट आ सकता है इस पर्सन की तरफ से। जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक्स हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है सिंप्लीफाई योर लाइफ, जो कहता है एलिमिनेट क्लटर फ्रॉम योर होम एंड वर्क लाइफ टू बैलेंस द फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। तो ग्रुप वन, आपके जो वर्क टेबल है या जो आपकी स्टडी टेबल है, जो आपकी अलमारी है, अगर उसमें चीजें नीटली अरेंज नहीं है, सब कुछ बड़ा बिखरा बिखरा सा पड़ा रहता है, तो वहां पर सब कुछ अच्छे से सेटल करिए। बिकॉज आप जिन जगहों पर सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं, अगर उन जगहों पर आपके आसपास बहुत ज्यादा क्लटर है, कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, चीजें ढंग से अरेंज नहीं है, तो उससे आपकी जिंदगी की जो एनर्जीज आ रही जा रही हैं वो उनमें थोड़ा सा ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। इसलिए आपको ये एडवाइस यहाँ पे दिया जा रहा है।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये वाला ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिले वो हैं विजडम, सॉलिट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और शैडो। ऑलराइट, सो ग्रुप टू, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ आपने कभी पढ़ाई की थी, तो आपका कोई स्कूल का जान पहचान वाला इंसान या कॉलेज का या मास्टर्स के टाइम का कोई ऐसा जिसके साथ आप या तो बड़े हुए थे या पढ़ाई की थी, कोचिंग, ट्यूशन कोचिंग, ये सब भी हो सकता है। ये जो कोई भी इंसान है ये एज में थोड़े से बड़े हैं आपसे, और आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको कुछ सिखाया हो, लाइक आपके कोई टीचर हो गए, आपको कोई ट्यूशन टीचर हो गए, या आप में आपसे उम्र में कोई बड़ा इंसान जिसने कभी आपको थोड़ी गाइडेंस वाइडेंस दे दी हो पढ़ाई के लिए या आपके करियर से रिलेटेड। सॉलिट्यूड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि इस वक्त आप दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल किसी भी तरीके के कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि या तो आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है या इस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। ऐसा भी मुमकिन है कि आप दोनों की आपस में ही शादी होने वाली थी एंड बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर मामला खराब हो गया था, शादी टूट गई थी, एंगेजमेंट तोड़ दी थी उन्होंने, ऐसा कुछ। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट मुझे बता रहा है कि ये जो सेपरेशन था ये कोई आसान सेपरेशन नहीं था, एमिकेबल नहीं था, ये काफ़ी लड़ाई झगड़े के बाद शायद ये सेपरेशन हुआ था, या सेपरेशन के दौरान दोनों लोगों ने एक दूसरे से काफ़ी कठोर बातें की थी, तो ना तो ये आपके लिए ईजी था ना उनके लिए ईजी था। शैडो मुझे कहीं ना कहीं बता रहे कि प्रॉब्लम ये है, थोड़ा तो कम्युनिकेशन गैप था इस कनेक्शन में, या तो सारी बातें बताई नहीं जाती थी, कुछ बातें छुपा ली जाती थी, या बातें ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे आप और आपके पार्टनर। एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और शैडो मुझे ये भी बता रहे हैं कि जब आप दोनों का सेपरेशन हो गया था उसके बाद अगर कभी आपने अपनी तरफ से ट्राई किया था इनको दोबारा पाने का या अपनी लाइफ में वापस लाने का, तो आपको सिर्फ मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे इस चीज में। और उसका रीजन ये है विद शैडो कि ये इंसान ने बहुत बढ़िया ढंग से अपने इमोशंस छुपा करके रखे हुए थे आपसे। अगर आपके पास तमाम सवाल थे इनके लिए तो ये कभी भी आपको ढंग से जवाब नहीं देते थे, हो सकता है आपके मैसेजेस खोलते ही ना हो, अगर खोलते थे तो बस रीड करके छोड़ देते थे, रिप्लाई नहीं करते थे, उस तरीके की चीजें। तो सेपरेशन के वक्त भी इस कनेक्शन में बहुत पेन था, एंड सेपरेशन के बाद भी आपको बहुत ज्यादा पेन एंड सफरिंग महसूस करने को मिली है इस इंसान की वजह से इस कनेक्शन में। अब हो ये रहा है सॉलिट्यूड एंड शैडो के साथ कि जो कोई भी इंसान है आपके साथ सेपरेशन के बाद, इन्होंने काफ़ी शैडो वर्क किया है, अपने ऊपर बहुत काम किया है, काफ़ी मैच्योर हुए हैं, अपनी गलतियां समझ में आई हैं। सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि अगर कभी आपसे पहले या आपके बाद और किसी के साथ भी कुछ गलत व्यवहार किया हो, सिर्फ रोमांटिक रिलेशंस में नहीं और किसी भी डिपार्टमेंट में क्यों ना सही, लेकिन अब बेसिकली अब ये इंसान इतना मैच्योर हो गया है कि अपनी गलती स्वीकार कर सके और उनको सुधारने की कोशिश करने की हिम्मत रख सके। कहीं ना कहीं शैडो मुझे बता रहा है कि शायद ये इंसान आपको स्टॉक करते हैं, मे बी आपको ये बात ना पता हो, स्पेशली अगर आपका अकाउंट सोशल मीडिया पर पब्लिक है या फिर आपके काफी म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं इस इंसान के साथ, देन डेफिनेटली ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ऑल्दो सॉलिट्यूड मुझे बता रहा है कि शायद आपको ज्यादा अंदाजा इस वक्त ना हो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या ये कहाँ है, खुश हैं कि नहीं, बट आपसे ज्यादा इनको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सॉलिट्यूड विथ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट मुझे ये भी बता रहा है कि इस कनेक्शन में एक ऐसा भी पॉइंट था जब एक पर्सन ने दूसरे को प्रपोज किया था तब उन्होंने मना कर दिया था, कुछ समय बाद दूसरे वाले ने पहले वाले को प्रपोज किया था तब उन्होंने मना कर दिया था, तो ये एक अनऑफिशियल किस्म की भी चीज हो सकती थी। एंड एक और मैसेज जो यहाँ पे मिल रहा है वो ये है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा इंसान था जो कि हायर स्टडीज के लिए बाहर चले गए थे और उस वजह से उन्होंने अपना कनेक्शन आपसे खत्म कर लिया था, एंड शायद कभी भी आपको उसके पीछे का प्रॉपर रीजन बताना जरूरी नहीं समझा था। ऑलराइट, अब टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं। स्पिरिट, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप टू हिज लाइफ।
एट ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स. Why does this person want to come back into his life? King of Pentacles. Why does this person want to come back into his life? Seven of Swords. Please clarify the Seven of Swords spirit. Alright. ग्रुप टू, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं आपको शायद क्लोजर देने के लिए, आपके साथ कनेक्शन में वापस आने का एज सच तो कोई इंटेंशन इनका दिख नहीं रहा है, बीइंग ऑनेस्ट. हालांकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए उनका इरादा वही हो कि आपके साथ फिर से एक हो, बट मोस्टली ऐसा लग रहा है कि काफी समय शायद बीत चुका है, वो आप मूव ऑन कर चुके हैं किसी और के साथ, वो भी शायद इस वक्त मैरिड है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, बट क्योंकि उन्होंने खुद के ऊपर इतना काम किया है, खुद को इतना सुधारा है, इतनी मैच्योरिटी हासिल की है, इसीलिए वो आपको आपकी लाइफ में वापस आके आपको बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया. और उसका रीजन ये है कि उनको इस बात का गिल्ट है कि उन्होंने आपको अचानक से आपके साथ ऐसा बिहेवियर किया था. ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया हो. बेसिकली जो दुख जो दर्द उन्होंने आपको पहुंचाया विद फाइव ऑफ कप्स, उनको पता है ये बात. और एट ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि उनका ऐसा मानना है कि आप कम्प्लीटली उनसे मूव ऑन कर चुके हैं. शायद वो भी एक रीजन हो कि उनके इरादों में ये वाली बात क्यों नहीं है कि वो आपके साथ एक होना चाहते, बिकॉज उनके मुताबिक आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप मूव ऑन कर चुके हैं. एंड मे बी इट्स ट्रू, शायद सच में आप लोग मूव ऑन कर चुके हैं, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस इंसान की तरफ से आपको मैसेज आए. आप नोटिस करेंगे उनके टोन में, उनके बात करने के तरीके में कि काफी मैच्योरिटी झलक रही है, काफी समझ आ गई है इनमें, काफी ठहराव के साथ बात कर रहे हैं. शुरू में तो जब कॉन्वर्जेशन करेंगे तो पहले तो आपको यही बताएंगे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके बारे में पूछेंगे आप कैसे हैं एंड ऑल दैट. एंड उसके बाद कॉन्वर्जेशन घूम के उस डिफिकल्ट पार्ट के ऊपर आएगी जहां पे वो आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे, आपको क्लोजर देने की कोशिश करेंगे बेसिकली कि मैंने उस वक्त इतने टाइम पहले जो किया था क्यों किया था, तब मेरे दिमाग में ये चल रहा था वो चल रहा था, मेरी एज ऐसी थी, मैं समझ नहीं पाई या समझ नहीं पाया, जो कुछ भी उनका एक्सप्लेनेशन हो. एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन एस्टैब्लिश वो करना चाहते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला, रोमांटिकली फिर से साथ में आना या ना आना आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंडिंग अपॉन यू नो आप किसी और के साथ हैं, वो किसी और के साथ है. बट एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहा है कि जो भी अभी बैड ब्लड है इस कनेक्शन में, यू नो एक दूसरे को लेकर के खुन्नस है, चिड़ है, ग्रजेस हैं, घृणा है, वो सारी चीजें वो दूर करना चाहते हैं. तो वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा सिविल हो सके मामला फिर से, मतलब ऐसा ना हो कि एक दूसरे को सड़क पे देखें तो बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो जाएं, एक दूसरे को देख के शक्लें बनाएं, इधर उधर बोलें, अवॉइड मारें, ऐसा नहीं चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं कि मे बी वंस अपॉन अ टाइम जैसे आप दोनों दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे को देख के खुश हुआ करते थे, एक दूसरे से खुल के बातें बातें किया करते थे, उसी किस्म का रैपो वो दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे आपके साथ. जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बट जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक साइंस हो. स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है रेडी सेट गो, जो कहता है नाउ इज द परफेक्ट मोमेंट टू डाइव इन एंड एम्ब्रेस योर हार्ट्स डिजायर. तो अगर काफी लंबे समय से आपके दिल में कोई गोल है ग्रुप टू, कुछ ऐसा है जो आप अचीव करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जिसकी ओर आप काम करना चाहते हैं, तो स्पिरिट आपको बोल रही है कि अभी जो समय चल रहा है आपकी लाइफ में वो अपने पैशन फॉलो करने के लिए या अपने गोल्स के ऊपर काम करने के लिए बहुत अच्छा समय है. सो आप स्टार्ट कर सकते हैं उन चीजों की तरफ काम करना. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारे डिटेल्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय. हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने ये वाला ब्लू स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि कौन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है. तो उसके लिए जो कार्ड हमें मिले वो हैं पावर, सैक्रिफाइस, मूविंग ऑन एंड इंट्यूशन.
तो सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पर यही है ग्रुप थ्री कि इंटुएटिवली आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि ये इंसान कौन है. इनफैक्ट हो सकता है कि बहुत दिनों से आपकी गट फीलिंग या आपके इंट्यूशन या आपके सपनों के जरिए या फिर रिपीटिंग नंबर्स के जरिए आपको इस ओर इशारा दे रहे हो स्पिरिट कि यू नो ये इंसान वापस आने वाला है उस किस्म से. यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है, अब मुझे नहीं पता कि अभी भी उनके अंदर ये प्रॉब्लम है या नहीं, बट फिलहाल पास्ट में जब आप दोनों दोस्त हुआ करते थे या ये कनेक्शन था जो कुछ भी था, इस इंसान के अंदर बहुत ईगो प्रॉब्लम थी और एक किस्म की पावर स्ट्रगल थी. पावर स्ट्रगल मतलब इनको चाहिए रहता था कि हर वक्त ये कंट्रोल में हो, हर वक्त जो ये बोल रहे हैं वही हो, बस इनकी मर्जी चले और किसी की ना मर्जी चले, चाहे वो आप हो चाहे वो इनके कोई फ्रेंड्स हो. एंड उस वजह से आई जस्ट सॉ 111 शायद आप लोग भी दिखता हो फिलहाल, तो उस रीजन से काफ़ी सैक्रिफाइसेस शायद आपको करने पड़े थे इस कनेक्शन में. कई बार ऐसा हुआ था कि आपने अपना मन मार के इनके पसंद की कोई चीज़ की हो जबकि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी ऐसा कोई काम करने की. बेसिकली हर थोड़े थोड़े समय पर ये आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके एग्जाम्पल्स देते रहते थे कि यू नो लाइक आई एम द बॉस और मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा, मेरी मर्जी चलेगी, उस किस्म की चीज़ें. एंड सैक्रिफाइस मुझे बता रहा है कि आपको हालांकि ये सब इनका बिहेवियर पसंद नहीं था, बट मे बी आप एक एस्केप चाह रहे थे, या तो आपके घर का माहौल अच्छा नहीं था या आपके ऐसे कोई खास दोस्त नहीं थे, इनकी कंपनी आपको अच्छी लगती थी तो आपको लगता था कि ठीक है थोड़ा अगर झेलना पड़ रहा है थोड़ा सहना पड़ रहा है लेकिन वक्त कट जा रहा है सो इट्स ओके. तो मे बी उस माइंडसेट से आप जो जो ये बोलते जाते थे वैसे वैसे आप करते जाते थे. एंड इवेंचुअली एक ऐसा मोड़ आया विद सैक्रिफाइस एंड मूविंग ऑन जहां पर इस इंसान ने आपसे पूछा नहीं, डिक्लेयर कर दिया कि अब ये कनेक्शन खत्म एंड आई वॉन्ट टू ब्रेकअप. क्यों ब्रेकअप क्या कुछ नहीं, बस बता दिया और एक्सपेक्ट किया कि जैसे उन्होंने ऐसे मूव ऑन कर लिया वैसे आप भी कर जाओ. बट सैक्रिफाइस एंड मूविंग ऑन मुझे बता रहा है बहुत क्लियरली कि इनको जितना इजी था इनके लिए मूव ऑन करना या जितनी स्पीड से इन्होंने एक दूसरी गर्लफ्रेंड या दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया था उतनी ही मुश्किल आपको हुई. हो सकता है उसके काफ़ी समय तक आपने और किसी को कभी डेट ना किया हो, आपकी हिम्मत ही ना पड़ी हो, आपका इतना खराब एक्सपीरियंस बिकॉज इस इंसान के साथ था. इंट्यूशन मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने खुद को काफ़ी क्लोज्ड ऑफ कर लिया था रोमांटिक कनेक्शन से, आपको ट्रस्ट इशूज होते थे, आपको फुली ओपन अप होने में दूसरों से प्रॉब्लम होती थी. बेसिकली कनेक्शन तो खत्म हो गया लेकिन जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स थे वो काफ़ी रहे आपके ऊपर और उनसे बाहर निकलने में आपको खासा मुश्किल भी हुई. मूविंग ऑन मुझे बता रहा है कि या तो अब आप लोग कम्प्लीटली मूव ऑन कर चुके हैं इस इंसान से या बिल्कुल ऑलमोस्ट आप मूव ऑन फुली करने ही वाले हैं. काफ़ी लंबे समय से आप लोग इस ओर ट्राई कर रहे हो नो कि वापस से आप इनके उसमें ट्रैप में ना आए या वट एवर. मूविंग ऑन एंड सैक्रिफाइस मुझे ये भी बता रहा है कि इतना कुछ सहने के बाद एक बार जब आपने ठान लिया कि आपको इस इंसान से मूव ऑन करना है उसके बाद आपने दोबारा कभी पलट के नहीं देखा, दोबारा कभी आपने इनसे सुलह करने की कोशिश नहीं की, आपने अपने आप को समझाया कि ठीक है अगर उनको यही चाहिए सो यही सही एंड देन आपने अपना फोकस अपने ऊपर लाया. आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है कि इस इंसान के जरिए या इस कनेक्शन में जो कुछ भी आपने सफर किया उसकी वजह से आप लोगों का शायद रुझान स्पिरिचुअलिटी की ओर आया हो या फिर ये टैरो कार्ड रीडिंग हो गई या रेकी, ये सब क्या होता है, ये सारी चीजें आपने इसी कनेक्शन से संबंधित आंसर्स की तलाश में आपको इन सब चीजों के बारे में पता चला हो. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि इस इंसान का आपकी लाइफ में आने का शायद मकसद ही ये रहा हो कि वो आपको आपके इंट्यूशन से रूबरू करवा सकें. ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड से जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में क्यों वापस आना चाहते हैं. स्पिरिट, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप थ्रीज लाइफ. सिक्स ऑफ कप्स, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप थ्रीज लाइफ. नाइट ऑफ कप्स, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप थ्रीज लाइफ. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, व्हाई डज दिस पर्सन वांट टू कम बैक इन ग्रुप थ्रीज लाइफ. Queen of Cups. All right, so Group 3, ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं रिलेशनशिप में आपके साथ आने के मकसद से. एंड जब कभी भी ये आपको कॉन्टैक्ट करेंगे तो इनकी टोन बहुत ही फ्लर्टी होगी और ऐसा भी पॉसिबल है कि ये इस तरीके से बिहेव करें मानो कुछ हुआ ही ना हो.
बहुत लाइट टोन्स रखें अपने कॉन्वर्जेशन की, हंसी मजाक करने का ट्राई करें, जोक्स क्रैक करें, जो पुरानी अच्छी मेमोरीज थी आप लोगों की, कुछ बचपन के किस्से या जो भी जितना भी पुराना आपका कनेक्शन हो डिपेंडिंग ऑन दैट, वो सारे टॉपिक्स वापस से उठाएं. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर ये है कि ये इंसान अभी भी उतना मैच्योर नहीं है जितने कि आप हैं. ऑलराइट, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा. दूसरी चीज, इस इंसान का ऐसा मानना है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स कि आप अभी भी ओपन हैं इनके साथ दोबारा से कनेक्शन में आने के लिए. एंड मे बी ये बात सच हो आप में से कई लोगों के लिए, बट हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हों जो अब इस इंसान में इंटरेस्टेड नहीं है, जो मूव ऑन कर चुके हैं. इस इंसान का ऐसा मानना है कि आप दोनों के बीच में जो हिस्ट्री है, जो वक्त आप दोनों ने साथ में बिताया है, तो वो हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग है कि इनको ऐसा लगता है कि उसके दम पे ये वापस से इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं. मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि कुछ तो पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ. एंड मे बी उस वजह से भले ही आपने मूव ऑन कर लिया हो, पर मूव ऑन करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज एक्सपीरियंस हुई थी, प्लस द फैक्ट कि आपके अंदर की स्पिरिचुअल साइड इस इंसान ने ट्रिगर की, इस इंसान ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई इनकी वजह से, इस कनेक्शन की वजह से. सो डेफिनेटली ये कनेक्शन है तो स्ट्रांग, बट और ऐसा नहीं है कि इस कनेक्शन में स्कोप नहीं है, ये कनेक्शन काफी खूबसूरत हो सकता है. बस ये है कि ये इंसान अपना थोड़ा नेचर ठीक कर लें, अपना ईगो हटा दें, हर वक्त कंट्रोल में रहने की जो नीड है वो गिव अप कर दें, पार्टनर के जैसे ट्रीट करें आपको, सबॉर्डिनेट के जैसे नहीं, तो हाँ ये कनेक्शन काफी अच्छा हो सकता है. अगेन लाइक आई सेड, आपके ऊपर है आप इनको सेकेंड चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं ग्रुप थ्री, बट ये आपकी लाइफ में इसी मकसद से वापस आना चाह रहे हैं कि आपके साथ दोबारा एक रोमांटिक रिलेशनशिप में आ सके, वेरी क्लियरली सिक्स ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स के साथ. एंड जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, इनको अंधा विश्वास है कि आप अभी भी इनसे प्यार करते हैं और आप अभी भी ओपन हैं इनके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए, और कहीं ना कहीं उस रीजन से इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट मिल रहा है. जो साइंस यहाँ निकल के आए हैं वो हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, बट जरूरी नहीं है कि ये जोडियाक साइंस हों. ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है स्टे ऑप्टिमिस्टिक, जो कहता है योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू, डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स. ऑलराइट, सो ग्रुप थ्री, काफी लंबे समय से शायद आप लोग अपने किसी गोल की ओर, किसी सपने की ओर काम कर रहे हैं, बट आपको अभी तक मन चाहे रिजल्ट्स मिले नहीं है, और अब शायद आप एक ऐसी कगार पे आ गए हैं जहां पर आपको लग रहा है कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, कुछ मिल तो रहा नहीं है रिजल्ट, तो चलो छोड़ो, जाने दो, गिव अप करने का आपका मन कर रहा है. बट स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप फिनिश लाइन के बहुत ज्यादा नजदीक हैं, इसीलिए आप तो किसी भी कीमत पर गिव अप करने का टाइम नहीं है, बिकॉज आपका जो गोल था जिसके लिए आप इतने लंबे समय से मेहनत कर रहे थे वो बस पूरा होने ही वाला है. तो डोंट क्विट राइट बिफोर द मिरेकल अकर्स, ड्रीम फुलफिल होने के ठीक पहले अगर आपने क्विट कर दिया तो बाद में बहुत भयंकर रिग्रेट होगी. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं. अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच. आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए. वो सारी डिटेल्स आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय.